हमर नाम ममता देवी भेल, आरती जीविका के अध्यक्ष हति आ सरस्वती जी के सदस्य। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। ये सब कहाँ लेके जाई हती दीदी? एमरी बार मीटिंग में सब दीदी के बतैले रहली जे हम एम की मिक्स खेती करम। मिक्स क्रॉपिंग का हो खले दीदी? एक ही खेत में चार तरह के फसल लगावे दीदी, एकरे कहल जाय छे दीदी मिक्स क्रॉप। दीदी हम तो मिक्स क्रॉप खेती के बारे में ना जानत रही है, लेकिन अब हम आ गेली तो चलू हम अपने के साथे चल के कुछ समझिए ले ओइले कि मिक्स क्रॉप खेती कैसे करैले अपने। देखो दीदी जे यहाँ तो हर्बल मिलल है ना, ट्रैक्टर से खेत के तैयारी करा ले लिए। दीदी खेत बने तैयारी करे से पहले कोनो खाद दे लिए में? 9 kg झंझीवा अमृत और 9 kg बर्मी कंपोस्ट इमे छीट दिले हती दीदी। दीदी इमे रासायनिक खाद कुछ ना डाल लिए है? हम सब रासायनिक खाद दीदी देना बंद कर दिलिए। अच्छा। अब हम सब ऑर्गेनिक खाद से खेती करे छिए। अच्छा दीदी, तो बड़ा खुशी के बात है कि अपने लोग रासायनिक खाद छोड़ के ऑर्गेनिक खाद के उपयोग कर लिए। हाँ दीदी, रासायनिक खाद से शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ल है। देखिए दीदी अब खेत के जोताई होते। नौ केजी घन जीवा अमृत तो 9 kg बर्मी कंपोस्ट दे के हम खेत तैयार बिल्कुल करवा ले ली। दीदी खेत तो तैयार हो गए। हाँ। अब हम रोपाई करवाइए। अच्छा दीदी, चार आइटम के कौन कौन चीज के खेती करे जाय हती ओकरा बारे में हमरा बता देती। ठीक है दीदी, अभी रुआ के हम रोप के बतावे हती। अहाँ सबसे पहले दीदी सामग्री के बारे में जान ली। देखो दीदी सारा बिक्षण एक कट्ठा के लेल है। ये है 250 ग्राम भिंडी के बीज दीदी। ये है सगा प्याज 5 ग्राम दीदी। ये मूली के बिया बीज है दीदी 5 ग्राम। मैंने मूलियों के बिया 5 ग्राम है। हाँ दीदी। अच्छा, ये पालक के बीज है 5 ग्राम दीदी। मैंने आई पलकी भेलै 5 ग्राम जी। हाँ दीदी ठीक। बिछन के लेल कोदारी, खुरपी, रस्सी, इंची टेप के जरूरी होइ छै दीदी। खेत के लेल नाला बीचे बीच रहल जरूरी है दीदी। खेत 2 भाग में बट गेलै दीदी, पानी पटावे में आसानी होतै दीदी। एकरा अलावा 4 गो क्यारी भी बनावल जरूरी है दीदी। 4 गो क्यारी अभी बनाबे दीदी? हाँ दीदी अभी बनाबे। दीदी इतना मेर कहला बना लिया है, इतना छोट छोट क्यारी बना लिया है अपने कहला। देखियो दीदी ए पर मेर पर सगा प्याज मूली आ पालक लगबैया, बाकी इधर जो खेत बच गए ए में हम भिंडी लगबे। माने 3 चीज यही माने अथी मेर पर लगबे। हाँ, भिंडी रोप देबे ओने क्यारी में। हाँ दीदी, ए मेर पर चुकंदर भी लगा सकली है दीदी। अच्छा दीदी, भिंडी बहुत पहले ही लगा हुई बड़ी अपने? भिंडी के बुआई 10 जनवरी के बाद है। भिंडी के बुआई के समय 10 जनवरी के बाद हो छाए? हाँ दीदी। ठीक है दीदी, तब हमरा के तनिका बो के बता दू कि कैसे रहुआ बोई। ठीक है दीदी हम बता दे छी। देखो दीदी हम पहले भिंडी रोप के बता दे छी। देखो दीदी लाइन से लाइन भिंडी के दूरी 1 फीट होए के चाहिए। माने लाइन से लाइन के दूरी 1 फीट होए के चाहिए? हाँ दीदी, नाप के बता दे छी।
देखियो दीदी यहाँ से यहाँ तक एक फीट हो छे, यहाँ हम लकड़ी गाड़ दे छे। एक साइड से तो चिन्ह लगा दिली, एक साइड और लगा दी छे। देखो दीदी लाइन से लाइन के दूरी एक फीट भेलाई और पौधों के दूरी एक फीट होए के चाहे। लाइन से लाइन के दूरी भी एक फीट और पौधा से पौधा के दूरी भी एक फीट रखे। हाँ दीदी एमे दू दू दाना डूब दे। ठीक है दीदी डूबू हम देखिए ले ले। देखियो दीदी दूगो दाना गिरा हाँ, देना। देखो दीदी भिंडी तो डूब के हम बता दिली। हाँ। अब मेर पर साग प्याज पालक आ मूली लगा दे। देखो दीदी दू दू इंच पर मूली के बिया एक ही गो दाना ए पर रोपबे। खाली मूली ना दीदी। हाँ। तीनों चीज के दाना हम दू दू इंच के दूरी पर लगबे। जैसे मूली। हाँ। साग प्याज पालक एक मेर पर मूली लगबे, एक मेर पर साग प्याज लगबे। हाँ। एक मेर दूसरा मेर पर पालक। एक एक मेर पर तीनों चीज अलग अलग लगा। अच्छा ठीक है। देखियो दीदी एक क्यारी पर मुरई लगाए। हाँ। ओ क्यारी पर साग प्याज लगाए। हाँ। ए पर पालक लगाए। अच्छा अच्छा दीदी माने एक ही खेत में चार फसल उगाली अपने। हाँ दीदी बाप रे तो बहुत ता फायदा हो दीदी अपने के। हाँ दीदी देखियो दीदी दो इंच के नाप हम उंगली बना ले लिए। उंगली के अनुसार से हम। अच्छा अब मैंने पूरा डोब दे भाई उंगलिये के अंदाज से नाप के अंदाजी। हाँ दीदी। अच्छा अच्छा दीदी ठीक है। तब से पहले मूली रोपाई हाथी दीदी। ठीक है दीदी रोप। ए मेर पर हम पालक रोप दे भाई। ठीक है तो। देखियो दीदी ये पर हम दो इंच के दूरी में सगा प्याज लगा। अबे मेर पर प्याज माने सगा प्याज लगा दे भाई। हाँ दीदी ठीक है दीदी डोब के बता दे। चार तरह के फसल तो लगा देली दीदी। हाँ दीदी सीख तो गेली हम चार तरह के फसल लगावे के अपने से। इतने फसल ना दीदी फरवरी में करेला भी ये में रोपत है। यही में करेलो रोप दे भाई। हाँ दीदी जब तक भिंडी फरे लगते है दीदी। करेला रोप भाई तब तक भिंडी फरे लगते है। हाँ दीदी मार्च महीना में दीदी ये में नीमुआ खीरा कद्दू रोपत है। करेला जब तैयार हो जाते दीदी। हाँ। तो नीमुआ खीरा कद्दू फरे के स्टार्ट हो जाते। अच्छा करेला माने तैयार हो जाते तब नेनुआ कद्दू खीरा माने फरे लगते अपने। हाँ दीदी दीदी कद्दू खीरा नेनुआ आ करेला एक कट्ठा में कितना कितना माने बीज लगवेली अपने। दस दस ग्राम दीदी लगे छे। दस दस ग्राम लगवेली। हाँ। मार्च में ये मेर जब खाली हो जाते। हाँ। तो ये पर हम बोरी लगा देवे। दीदी इतना फसल लगावे से एक कट्ठा में अपने के कितना आमदनी हो जाय थो। तीन महीना में 15-16 हजार तक रुपया हम कमा ले ले दीदी। एक कट्ठा में तीन महीना में 15-16 हजार रुपया आमदनी हो जाले। हाँ दीदी बा दीदी तो बहुत आमदनी हो जाले अपने के। भिंडी जो रोप लिया है। हाँ। ओकरा बीच बीच में हम पुआर से तोप दिए छे। एकरा आच्छादन कहे छे दीदी। अच्छा दीदी तो वो काहेला करबै वो करे से कौन फायदा है दीदी। एकरा झाके से खर पतवार न होते। हाँ। नवमी बनल रहते बढ़िया जमनेशन होते। अच्छा देखो दीदी जे बीज डोबलिए है। हाँ। उ ना ढकत है बीच जे खाली जगह पड़ल है। हाँ। वो जगह के ढक देवे जे खरपतवार न होते। माने बीचरा जे डोबलिए है से ना ढका के चाहिए। ना बीच के खाली जगह है से ढक देवे कि खरपतवार न जमते। हाँ। अच्छा दीदी ठीक है। तो
सब किसान भैया दीदी से अनुरोध है एक ही खेत में मिस क्रॉपिंग करके ज्यादा से ज्यादा आमदनी करके लाभ उठाए। दीदी पहले हूँ यही तरह से खेती कर रही है अपने? ना दीदी ना, पहले तो एक गो फसल लगवली है जिसमें उतना आमदनी ना होती रही है दीदी। अच्छा। आ खर्चा उतना ही है, मेहनत उतना ही है। अब जो है दीदी जो मिक्स खेती कैला से एक बार में चार फसल लगे छे दीदी। अच्छा, वही से माने मिक्स खेती करैली अपने? हाँ दीदी, एक सीजन में चार गो आइटम के माने फसल उपजा ले ली अपने। हाँ दीदी, मेहनत ऐसे एक ही दीदी। हाँ। खर्च एक ही दीदी, लेकिन ऐसे उपज ज्यादा है से हमारा बहुत आमदनी है दीदी। हाँ हाँ। अपना खाई भी हती, बेच भी ले हती दीदी। अच्छा अच्छा, माने घर भी खर्च चल गए। हाँ। और पूंजी लगलग से कुछ पूंजी भी निकाल। हाँ दीदी। अच्छा ममता दीदी, अपने हमरा के माने बहुत मिक्सिंग खेती के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दिली और टाइम भी दिली हमरा साथे, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।